मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फेक के दरमियान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इत्तेहाद के मामला तय पा गए। अब इस सिलसिले में होने क्या चाह रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, बताइए मुलाकात होनी अब इस सिलसिले में, तब मजीद खबरें सामने आएंगी। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद, बल्कि चंद लम्हों के बाद ही मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बंद ATS मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी में पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ का भी इम्कान है कि आइंदा हफ्ते वो जा रहे हैं सिंध के दौरे पे, और सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहाँ पर MQM JDA और दीगर जमातों के साथ अलायंस करने जा रही है, वहाँ पर सिंध के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो नोटेबल्स हैं उनके साथ भी ये सियासी इतिहाद करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ KPK के अंदर भी सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। और इन दोनों मामला, दोनों सूबों के हवाले से इनके मामला तय पा गए हैं, और इसी मुलाकात में आज इसका बकायदा तौर पर जो है हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि कितनी कितनी सीट्स पर ये आपस में सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके नतीजे में क्या पंजाब में भी कोई इनकी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल मुलाकात है। अब से कुछ देर कबल मौलाना फजलुर रहमान से भी मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका बताना था कि वो होटल से रवाना हो चुके हैं मॉडल टाउन में। अब तकरीबन जो उन्होंने टाइम था उसके मुताबिक ये किसी वक्त भी अब यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और जहाँ पर इनकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क्यादत उनके साथ मुलाकात होगी, और फिर नवाज शरीफ के साथ एक 1-on-1 अलहदगी में मुलाकात होगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में बताया।